मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत पोएट्री सेक्शन में पढ़ा था पोम नंबर 1। आप बता सकते हो पोम का नाम क्या था? पोम का नाम था माय मदर एट 66। क्या आपको याद है जो पोम था उसके ऑथर कौन थे, पोम की लेखिका कौन थी? तो पोम की लेखिका का नाम था कमला दास। आपको पोएट्री सेक्शन में पोम का नाम और पोम लिखने वाले का नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो हमने ये जो पोम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास को बहुत अच्छे से समझा था, और आज हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स करना। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। What is the kind of pain and ache that the poetess feels? मतलब वह किस प्रकार का दर्द है, किस प्रकार की पीड़ा है जो जिसको कवित्री महसूस करती है? ऐसा कौन सा दर्द है जो उस कवित्री को महसूस होता है? तो आंसर देखें, The poetess sees her mother sitting beside her and she is dozing. Her mouth is open. Her face is pale like a dead body. She is aging. This is the pain and ache that the poetess feels. आप क्या बता रहा कि वो देखते हैं कि poetess sees her mother sitting beside her and she is dozing. कवित्री ने देखा अपनी माँ को जो कि उसके बाजू में बैठी हुई है और क्या कर रही है, सो रही है, झपकी ले रही है। Her mouth is open. उनकी माँ का मुंह कैसा है, खुला हुआ है। हर फेस इज पेल लाइक अ डेड बॉडी, और किसी एक शव की तरह, एक डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा पीला दिखाई दे रहा है, फेड दिखाई दे रहा। शी इज एजिंग, ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो कैसी हो चुकी है, वृद्ध हो रही है। दिस इज द पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील, और यही वो पीड़ा और दर्द है जिसे कवित्री महसूस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Why are the young trees described as sprinting? Sprinting यानी तेजी से भागना। तो जो हरे भरे वृक्ष यंग ट्रीज जो हैं, वो तेजी से भाग क्यों रहे हैं? इस कविता में हरे भरे वृक्ष को तेजी से भागते हुए के रूप में वर्णन क्यों किया गया है? आंसर देखें, The young trees are described as sprinting because they are full of strength and they seem to be running because the poetess is driving. यहाँ पर हरे भरे वृक्षों को तेजी से भागना का इसलिए बोला गया है क्योंकि वो क्या है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, ऊर्जा और क्षमता के साथ परिपूर्ण है, ऐसे उनको यंग वृक्षों का वर्णन किया है। और ये स्प्रिंटिंग तेजी से भागते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उस समय कवित्री क्या कर रही थी, गाड़ी ड्राइव कर रही थी। जब भी हम गाड़ी तेज चलती है तो हमें आसपास के जो वृक्ष और जो वस्तुएं हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, गतिशील दिखाई देती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Why has the poetess brought in the image of the merry children spilling out of their homes? क्या है क्वेश्चन? Why has the poetess brought in the image of the merry children spilling out of their homes? मतलब कवित्री ने इनका वर्णन क्यों किया है, ऐसे बच्चों का जो खुशहाल बच्चे, प्रसन्न चित्त बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उसका वर्णन क्यों इस कविता के अंदर किया है? आंसर देखो, द पोएटेस हैज बॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू शो द लाइवलीनेस एंड द एनर्जी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। अब यहाँ पर कवियत्री ने प्रसन्न चित्त बच्चों को तेजी से घरों से बाहर निकलते हुए बताया है, वो इसलिए बताया है ताकि वो बाहरी दुनिया, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहरी दुनिया का जो चित्र है, जो ऊर्जा है, जो जीवन है, उसका वर्णन कर सके। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन एंड एंग्जाइटीज, मतलब वो सब क्या है, बहुत सारे चिंता और तनावों से मुक्त है बच्चे, बच्चे हमेशा निश्चिंत होते हैं। दे रिप्रेजेंट लाइफ, वो क्या प्रदर्शित करते हैं, जिंदगी को दिखाते हैं, बहुत सारे स्पिरिट को दिखाते हैं, शक्ति को दिखाते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को दिखाते हैं, और केयर फ्री लाइफ या निश्चिंत रूप से जीवन जीना हमको सिखाते हैं।
ऑन द अदर हैंड देयर इज हर एज्ड मदर, और दूसरी तरफ क्या था, उसकी बूढ़ी हो रही माँ थी। शी इज इन हर डिक्लाइनिंग एज, वो कैसी अवस्था में है, जीवन की अंतिम अवस्था, डिक्लाइनिंग फेज पे पहुंच चुकी है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ हैज बीन डिटेक्टेड ऑफ द बोथ साइड, और एक तरफ ऊर्जावान बच्चे, प्रसन्न चित्त, जिंदगी से परिपूर्ण बच्चे, और एक तरफ मौत की तरफ जाती हुई इसकी माँ। इस प्रकार से दोनों जीवन के दोनों पहलू जो थे उसने अपनी लाइफ के, जो जिंदगी के दोनों पहलू थे उसने अपनी कविता में प्रदर्शित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Why has the mother been compared to the late winter's moon? कवित्री ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से, यानी सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से क्यों की है? जब शीत ऋतु आती है तो उस समय जो चंद्रमा कैसा होता, प्रकाश उसका धूमिल दिखाई देने लगता है। तो आंसर देखें। She was compared to the late winter's moon because the late winter's moon is calm and vague with a dim luster. It loses its power and brightness. कवित्री ने अपनी माँ की तुलना सर्दियों और शीत ऋतु के अंतिम चांद से इसलिए की है क्योंकि लेट विंटर मून जो होता है वो कैसा शांत रहता है और डिम लस्टर मतलब मध्यम धुंधले प्रकाश से युक्त रहता है। तो माँ भी कैसी हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी, तो माँ भी कैसी शांत और धुंधले मध्यम प्रकाश युक्त हो गई थी और वो अपना ब्राइटनेस और अपनी शक्ति जो है वो खोने लगता है, इसलिए उसने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, कवित्री के अंतिम शब्द और उसकी जो मुस्कान थी वो क्या प्रदर्शित कर रही है? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई सम सॉर्ट ऑफ होप दैट शी इज प्रॉमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन। जो अंतिम शब्द और जो मुस्कान थी उसकी, तो वो क्या प्रदर्शित करती है? कुछ आशा प्रदर्शित, उसको आशा रहती है, उसको मालूम है कि उसकी माँ एज्ड है, उसकी माँ कुछ समय बाद मर जाएगी, लेकिन फिर भी वो हंसती है और फिर मिलेंगे बोलती है। क्यों? ताकि उसको लगता है कि हम अपनी माँ से दोबारा मिल सकते हैं, तो वो अपनी माँ से दोबारा मिलने का क्या करती है, प्रॉमिस करती है, वादा करती है। She might find her alive, शायद ही उसको अपनी माँ दोबारा जिंदा मिले। So she spread a smile on her face to pay her mother her last tribute, इसलिए वो अपने फेस पर स्माइल लेकर के अपनी माँ को अंतिम मिलन प्रदर्शित करने लगती है। Also she is in trouble to be aparted from her, और उसको एक दुख भी रहता है, कष्ट भी रहता है कि शायद वो अपनी माँ से दूर हो जाएगी। तो बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोम के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोम समझेंगे। थैंक यू बच्चों।